नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देशभर में यूं तो चुनावी माहौल के चलते सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में मसरूफ हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीते शुक्रवार को एक दुख भरी खबर भी सामने आ गई। दरअसल यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की माँ का निधन हो गया। तो भाजपा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी। ओपी राजभर ने लिखा कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। कई दिनों से उनकी मां का इलाज अस्पताल में चल रहा था। उनकी मां का अंतिम संस्कार गाजीपुर स्थित पैतृक गांव में होगा। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मां का नाम जितना देवी था। 85 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओपी राजभर की मां फेफड़े की बीमारी से ग्रसित थी। गाजीपुर स्थित पैतृक गांव में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले लखनऊ के एक अस्पताल पर अपनी मां के इलाज को लेकर यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने गंभीर आरोप लगाए थे। ओपी राजभर ने बताया था कि उनकी मां को सांस की समस्या हुई। उस समय मैं बिहार में था। बेटे अरविंद और अरुण ने मां को अस्पताल में भर्ती कराया था। इस दौरान ओपी राजभर ने आरोप लगाए थे कि अस्पताल प्रबंधन ने 4 दिन में 4 लाख रुपए ले लिए थे, लेकिन उनको होश तक नहीं आया। आगे उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस में माँ होश में थी, बात करते आई वहाँ बेहोश रही। 4 दिन में कोई सुधार नहीं हुआ। हमारे जैसे लोगों को लूट रहे हैं तो गरीबों को भी लूट रहे हैं। ओपी राजभर के इन आरोपों के बाद यूपी के स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने संज्ञान लिया था। ओपी राजभर की मां की निधन की सूचना मिलने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जताते हुए दिवंगत आत्मा को शांति की कामना की। बता दें कि जितना देवी के परिवार में पति सुन्नी राजभर के अलावा 4 बेटे ओम प्रकाश राजभर, धुरेंद्र राजभर, विजेंद्र राजभर और राम लखन राजभर और बेटी विद्या देवी हैं। हालांकि ओपी की पार्टी से विधायक अब्बास अंसारी और उनके चाचा अफजाल अंसारी ओपी से मिलने नहीं पहुंचे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए आप SPN 9 न्यूज के साथ।